बेगूसराय में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में दो प्रखंडों के 16 पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। मतदान केंद्रों का जायजा लेने डीएम अरविंद कुमार वर्मा, एसपी अवकाश कुमार अधिकारियों के साथ पहुंचे। डीएम और एसपी ने मतदान करने पहुंचे मतदाताओं से भी बातचीत की और उनकी परेशानियों के संबंध में जानकारी ली। डीएम ने बताया कि शुरुआती दौर में कुछ जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसे बदला गया है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता हिस्सा ले। पहली बार ईवीएम से पंचायत चुनाव हो रहा है और बोगस वोटिंग रोकने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। डीएम ने लोगों से अपील किया कि बोगस वोटिंग ना करें, नहीं तो उन्हें बायोमेट्रिक से पकड़ने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। 16 पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है और हर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सर, तीसरे चरण में जो है सो बेगूसराय में दो जगह मतदान हो रहा है और कितने बूथ बनाए गए हैं और कितनी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है? अभी इस आज के दिन तीसरा चरण में बेगूसराय जिला में बीरपुर प्रखंड और दंडारी प्रखंड दो जगहों पर मतदान हो रहा है। बीरपुर प्रखंड में 119 बूथ हैं, यहाँ पर भी 99 बूथ हैं और हम लोग पर्याप्त संख्या में हर दो बूथ के लिए एक पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, उनके साथ पुलिस पदाधिकारी, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल डिप्यूट किए हुए हैं जो संबंधित मतदान केंद्र स्थल पे स्टैटिक रह के मतदान संपन्न करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हर पंचायत में दो दो सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल के साथ डिप्यूटेड हैं। वो लोगों के पास लगभग 8 से 10 बूथ एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास है, वो लोग लगातार भ्रमणशील रह के शांतिपूर्ण ढंग से करवा रहे हैं। और उसके अतिरिक्त हर 2-3 पंचायत पे एक जोनल मजिस्ट्रेट, फिर प्रखंड में स्तर पर सुपर जोनल, 2-2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट पुलिस डीएसपी के साथ दिए गए हैं। और हम लोग के हर पंचायत में मोबाइल बाइक टीम पुलिस फोर्स उस बाइक पे घूम रही है और लगातार भ्रमणशील है, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। आपकी वाहन जब आती है हर जगह आप मुआयना कर रहे हैं तो काफ़ी भीड़ आप प्रशासन को देख के भागते हुए नजर, क्या कुछ मामला था कि नहीं? ये तो चुनाव के समय पे लोगों में उत्सुकता भी रहती है, इसलिए मतदान केंद्र के आसपास कुछ जगह भीड़ देखी हम लोग, उन सबको निर्देश दिए और लोग बाहर रहें। ज़्यादातर वहाँ पे देखा गया कि किसी को डराने धमकाने या ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा था, ऐसा पाया गया कौतूहल बस लोग भीड़ किए हुए थे तो उनको समझा दिया गया, लोग खाली कर रहे हैं। आज कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ आपने भ्रमण किया है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ किस तरह की व्यवस्था? सभी जगह पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो रहा है। सुबह कुछ जगहों पर ईवीएम कहीं कहीं खराब होने की सूचना मिली थी तो उसको हम लोग रिजर्व ईवीएम सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए हुए हैं, उनसे रिप्लेस करा दिए हैं तो सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से सही से मतदान संपन्न हो रहा है। आप सभी धार्मिक सैलानियों के लिए श्री माता वैष्णो देवी पर्यटक सेवा संस्थान की ओर से श्री चार धाम शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बिहार शरीफ से पटना, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, हर की पौड़ी होते हुए सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। यात्रा के लिए 17 अक्टूबर को बिहार शरीफ से प्रस्थान किया जाएगा। बुकिंग चालू है। इच्छुक धर्मार्थी संपर्क। ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता DDC आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.